शांति नहीं, शांति के लिए उपाय पे डिपेंड न रहें, अपने कर्म में परिवर्तन करें। शांति के लिए एक दूसरे पे डाउट करने की बजाय एक दूसरे का सपोर्ट करें। समृद्धि भी नहीं है, घर में तरक्की नहीं होती है, वो परेशानी आपकी दूर होगी, शांति घर में बनना प्रारंभ हो जाएगी। कई लोग ऐसे भी होते हैं, और ये कई नहीं है, वो तो मोस्टली ऐसे ही है। कैसे, किसी के भी पास बैठ जाओ, वो लोग पता है क्या कहते हैं, महाराज घर में शांति नहीं है, यहां भी बैठे 90% शांति नहीं है, वही वाले बैठे हैं, यही है ना। वैसे तो हमारा सब कुछ है, पर घर में शांति नहीं। शांति के लिए उपाय पे डिपेंड न रहें, अपने कर्म में परिवर्तन करें। शांति के लिए कम बोलें, शांति के लिए शंका कम करें, शांति के लिए एक दूसरे पे डाउट करने की बजाय एक दूसरे का सपोर्ट करें, तो शांति घर में आने लग जाएगी। फिर भी एक उपाय बता देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में सुख नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में क्लेश रहता है, द्वंद रहता है, समृद्धि भी नहीं है, घर में तरक्की नहीं होती है, महाराज क्या बताएं, जो भी आता है उसे ज्यादा खर्च हो जाता है, ऐसे लोगों को होलिका वाले दिन, होलिका दहन के समय, होलिका दहन से पहले ही सबको सुनाना है ये वीडियो, ये हम सब सनातनियों की जिम्मेदारी है। अन्य धर्म के लोग तो होलिका पूजने जाएंगे नहीं, हम ही जा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करके उन लोगों को भी सुखी करने का एक रास्ता हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो जिस दिन होलिका दहन हो रहा हो, उस दिन हम लोग थोड़ा सा आटा अपनी मुट्ठी में लेकर और जौ की बालें लेकर, समझ गए, गेहूं की बालें नहीं, जौ की बालें लेकर हमें होलिका के पास में जाना चाहिए, और उन जौ की बाल को और आटे को होलिका में, जलती होलिका में पहले परिक्रमा करें एक या चार या पांच, और फिर उस आटे को और जौ की बाल को होलिका में हम सुहा कर दें, और प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे, क्लेश मिट जाए। श्रद्धा के साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे 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 वो परेशानी आपकी दूर होगी, शांति घर में बनना प्रारंभ हो जाएगी, नारायण भगवान की कृपा से। बोलो राधे राधे।